गुड मॉर्निंग गाइस, हम उठ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 7:03। हमारी डूडू भी जल्दी उठ गई है। गुड मॉर्निंग टीटू। गुड मॉर्निंग। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है आज गाइस, तो धुंध हो रही है। अभी 7 बजे हैं। मैंने जैसे आपको दिखाया था उस हिसाब से उठे तो हमें काफ़ी देर हो गई, लेकिन रूम में लाइट नहीं थी और बाहर सर्दी ज़्यादा थी तो हम उठ नहीं पा रहे थे। सर्दी का कोहरा बहुत तेज है। हमारी डूडू घूम फिर के आ गई है और अब ये दूध पी रही है। टीटू अब ये वापस से सोएगा। बड़ा बेकार बच्चा है, खा पी के वापस सो जाता है। धूप बहुत अच्छी है दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कबूतर धूप के मजे ले रहे हैं वहाँ पे। इनका भी एक जीवन है बेचारों का। ये भैंसे भी आराम से बैठी हुई हैं धूप में। धूप बहुत ही ज़्यादा तेज है। डूडू धूप के फुल मजे ले रही है। डूडू इसको खेत में जाने का इतना तगड़ा शौक है ना कि पूछो मत। अभी डर रहा है मुझे पकड़ लेगी। आजा, नहीं पकड़ू, आजा, ये पकड़ना नहीं। अरे अभी चेक करके आएगा, यहाँ पे काचनी बोई हुई है और सरसों है, इन सब में चक्कर काटेगा। अंदर तक जाके आएगा, कोई मिल जाए तो इसे, और यहाँ पे इसकी गंदी आदत सूसू भी करेगा। एक गन्ने का पेड़ है जो हमने लगा रखा है। यहाँ पे हमारी बोरिंग हो रखी है और आपको दिख रहा हो तो टीटू इसमें घुस चुका है। टीटू हमारे घर पे बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं, जैसे ये अमरूद का पेड़ है जो हम नर्सरी से लाए थे। यहाँ पे हमारे कुछ पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे, जो कुछ हमने लगाए हुए हैं, जैसे ये आम का पेड़ मैंने गुटली से जो उगा हुआ होता है वैसे लगाया था। आगे भी आम का है, उधर एक आंवले का पेड़ है और ये नींबू का पेड़ है जो हम नर्सरी से लाए थे। इसके पास में खजूर ऑटोमेटिक उगा था तो हमने इसको रख रखा है सेफ। यहाँ पे ये अनार का पेड़ है, ये भी मैंने वैसे घर पे ही बीज से उगा के लगाया है। ये थोड़ा कम ग्रोथ कर रहा है, पता नहीं क्यों। ये फिर से संतरे का पेड़ है जो नर्सरी से लाया हुआ है, और ये एक आम का पेड़ है जो नर्सरी से लाए हुए थे, इसको बंदर खा गए इनके पत्तों को। ये जामुन का पेड़ है जो हमने बीज से उगाया था, मार्केट से खाने लाए थे, उसका बीज उगा था। ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, लगे हुए कुछ ही दिन हुए हैं अभी इसको। हमारी टिटूडी खेत में अच्छे से मजे ले रही है धूप के, शिकार करने के लिए ढूंढ रही है कोई आदमी मिल जाए जानवर वानवर भगाने को, लेकिन कोई नहीं मिलने वाला इसको यहाँ खेत में। यहाँ पे फसल हो रखी है अच्छी खासी। ये हमारे घर के जस्ट आगे का है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये एक और आम का पेड़ है। ऐसे करके हमने कम से कम 15-20 पेड़ लगा रखे हैं अपने घर में। इसके तसल्ली नहीं है कि हमारे घर पर कोई आ जाए। ये आई हुई है छांस लेने, तो ये इसको घूर रहा है। टीटू अलर्ट है, तू छांस लेके जा, मैं तुझे पकड़ूंगा। ये बड़ा ही बदतमीज है, हम सब इसको छोड़ के चले गए, इसको खोला नहीं, तो इसने ये देखो खड्डे कर दिए और अब ये मेरे को खाने भग रहा है। खोल दे मुझे, खोल दे मुझे। ये किसने किया टीटू? टीटू ये किसने किया है? तूने किया है ये मम्मी पीटे तुझे आ रही। मम्मी टीटू, मम्मी आ गए। मम्मी के के
ऐसे भोला बन गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जबरदस्ती मेरा नाम लगा रहे हो। ऐसे भोली बन गई है पुच्ची। माटी खाई तूने? मुंह भी लग गई माटी खोदने में। हेलो गाइस, इसे एक बार हेलो गाइस, लाज आजा ले ले ले। ये मुझे ऐसे घूर रहा है, खोल तो रही नहीं, नखरे कर रही है। तो चल आजा 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 आजाओ। तो चाय का टाइम हो गया है, अभी 5:15 बज रहे हैं, हम नीचे बैठे हैं। तो यहाँ पे घड़ी नहीं है, हम आपको दिखा नहीं सकते। हमने खाना नहीं खाया है क्योंकि तबीयत ख़राब थी, और अब हम चाय के साथ थोड़ी सी नमकीन ले लेते हैं। सूरज जी जाने पे है, दिन ढलने पे है, 5:30 का टाइम हो रहा है, 5:15 मिलते हैं चाय के बाद। शाम हो चुकी है गाइस, और अभी 6 बज रहे हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है दिन ढल चुका है और मौसम वापस ठंड का हो चुका है। यहाँ पे खड़ी बन रही है, और ये बनवाई है मैंने तेका मुँह करने के लिए। अच्छी लगती है ये, मम्मी बना रही है। ले टिटू टिटू टिटू, दूध दूध दूध। गुड नाइट टिटू, गुड नाइट। हेलो गाइस, तो जैसे कि हम फ्री हो गए हैं, और अभी सोने का वक्त हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 9:10, और अब हम सोएंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप लोगों का प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें, जब ही हम आगे बढ़ पाएंगे। गुड नाइट, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।